हाई एवरी वन अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड यू ऑल आर मोस्ट वेलकम वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद ए सो जितने लोग लाइव आ चुके हैं तो एक बार कंफर्म करेंगे कि सब कुछ क्लियर है और बाकी थोड़ा इस साइड भी देख लेंगे गाइज आज आपके लिए मेरे पास है कुछ बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग बेहतरीन गाइज देखिए आपका कोई भी एग्जाम हो यूजीसी नेट सेट एग्जाम टीजी टी एग्जाम पीजी टी एग्जाम एनवीएस डी एस एस बी केवीएस मैंने ये जो सीरीज ली है ना हंड्रेड कैरेक्टर्स वाली बिलीव मी गाइज जो मैं हंड्रेड कैरेक्टर्स कवर करने वाला हूं सो नॉट यू आर गोइंग टू गेट ओनली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैरेक्टर्स वर्क द टाइप ऑफ वर्क विच वन कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट वेन इट वॉज केम आई एम गोइंग टू गिव यू इन दिस पर्टिकुलर सीरीज So, ये मेरा रिक्वेस्ट होगा आप सभी से गुड आफ्टरनून एवरी कि आप मेरे साथ ट्यून्ड रहें इफ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग गाइज एटलीस्ट मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता बट यू विल गेट वन और टू क्वेश्चन इन एवरी सिंगल एग्जाम हमें पता नहीं चलता ना कौन सा कैरेक्टर याद रखना है दिस वन सो इन दिस सीरीज यू आर गोइंग टू गेट सो ऑल ऑफ यू गाइज जितने भी लोग मुझे वॉच कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइक like और एक शेयर और साथ में गाइज आप वंडरफुल इंफॉर्मेशन के साथ मेरे साथ आज पढ़ लीजिए गुड आफ्टरनून और हां ये कैरेक्टर्स वाली जो मैं लिस्ट देने वाला हूं मैं इसे टेलीग्राम पर भी अपने शेयर कर दूंगा गाइज मेरा टेलीग्राम है इंग्लिश वे देखिए एक और इंफॉर्मेशन जो आपको देनी थी मुझे और वो बढ़िया इंफॉर्मेशन है काफी इंटरेस्टिंग गाइज ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म यू कैन ज्वाइन माई यूजीसी नेट क्लासेस एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजी टी एंड पीजीटी एग्जाम सो देन यू कैन ज्वाइन माई पेड कोर्सेस फॉर टीजी टी पीजीटी एंड एल टी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए गाइज मैं बता दू क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आप क्या क्या क्वालिफाइड है सो यू कैन सी ऑन स्क्रीन थ्री टाइम्स यूजी सीनेट एग्जाम यूपी पीजीटी लेक्चररशिप अब यह मत पूछेगा कि जॉब क्यों नहीं किया उसके लिए मैं बाद में कभी मुझे जब मौका मिलेगा सो देन आई विल टेल यू डेफिनेटली गाइज कि मैंने जॉब क्यों नहीं की यूपी पीजीटी वाली टू टाइम्स गाइड्स एस एस सी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर आई हैव क्वालिफाइड बाकी अदर एग्जाम उनके बारे में बात नहीं करूंगा मैं है ना और अपकमिंग जो भी चीजें हैं गाइड्स जैसे बहुत सारे लोग लिखते हैं कि मैं पीजीटी टॉपर हूं फिर वो दस हजार रुपए आपसे डायरेक्टली चार्ज लेते हैं नोट्स क्लासेस का गाइड हम मिनिमम कॉस्ट में देते हैं ताकि हर एक स्टूडेंट पढ़े और जब पढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया क्योंकि इंडिया को बढ़ाना है और इंडिया को पढ़ाना भी है दिस इज द मेजर मोटो गाइज अन पर मैं यूजीसी नेट नेट के लिए पढ़ाता हूं यूजीसी और एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और मेरी क्लासेस पेड क्लासेस अवेलेबल हैं टीजीटी पीजीटी एलटी की भी तो आप ले सकते हैं सारे सीक्वेंस से नोट्स मिलेंगे मतलब पूरे नोट्स सीक्वेंस से सीरियल से गाइज नोट्स और टॉपिक वाइज क्लासेस एवरी टॉपिक चाहे वो आपका टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो या एलटी हो गाइस लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं 100% एवरीडे क्लासेस लेता हूं और मैं आपको बता दूं जो पैसा आप खर्च करेंगे वो आपका इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन पर एंड यू विल गेट वंडरफुल रिस्पांस एज वेल बाकी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा बात करने का मतलब है कुछ लोग गुस्सा रहे होंगे मेरी क्लास में बोलें गुरु जी पहले आप बतिया लीजिए बाद में पढ़ाइएगा देखिए शुरू करते हैं गाइज आज की क्लास बी रेडी और धमाकेदार सेशन होना चाहिए और इस सेशन को गाइज आपको क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन देता है इसीलिए जरूरी है कि बड़े से कमेंट आप लिखें ताकि स्टूडेंट्स समझ सके और उन्हें राइट गाइडेंस मिल सके क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को राइट गाइडेंस नहीं मिल पाती सो ड्यू टू लैक ऑफ राइट गाइडेंस जो उनके रिजल्ट है वो अफेक्ट होते हैं सो यस गाइज इफ यू आर सेटिस्फाइड विद माई टीचिंग स्टाइल एंड इफ यू फाइंड एनी फॉल्ट सो बॉक्स। देखिए मैं सबसे पहले मेरे पास बहुत सारा आज का कंटेंट होगा उस कंटेंट को मैं आपके साथ शेयर करता हूं है ना दिस इज द फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो आपके लिए जल्दी आ जाएगा बट फर्स्ट वीडियो में बहुत कुछ कवर करेंगे गाइज आपने एक वर्ग का नाम सुना होगा द्रेट गैट्स ये मूवी भी है ज ऑल्सो अवी ग्रेट गैट्स भी यह एक मूवी भी है और यह एक नॉवल का नाम भी है एंड द वर्क इज एसोसिएटेड विद एफ स्कॉट फिट जेराल एफ स्कॉट फिट ज जेराल्ड और यह आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं गाइज मूवी भी इसकी बनी हुई अगर आप चाहें सो येस यू कैन वॉच गाइज द ग्रेट गैट्स भी आप सर्च कीजिएगा And you know guys, in this particular work, there is a character. Character वैसे तो बहुत सारे हैं देखिए जय इज देयर निक इज देयर डेजी टॉम एंड जॉर्डन एंड मार्टल सो दीज ऑल आर द कैरेक्टर बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो डिफरेंट एग्जाम्स में पार्ट होता है गाइज दैट इज जय गैट बी गाइज एंड सो जय गाइज लीड कैरेक्टर मेन कैरेक्टर और द प्रोटनिस्ट इन द वर्क द ग्रेट गैट्स भी यू मस्ट रिमेंबर गाइज की ट्वेंटी फाइव में और आपको याद रखना है कि ट्वेंटी फाइव मुझे याद नहीं हो रहा है सो so मेरे पास इसके लिए एक ट्रिक है छोटी सी ट्रिक एंड द ट्रिक इज गाइज की देखिए नाइनटीन ट्वेंटी टू में आपका आया था वेस्टलैंड तो ये आप यहां से चाहे याद कर लीजिए नाइनटीन ट्वेंटी टू

ग्रेट गैट्स वी बाई स्कॉट फिटाल्ड एंड अदर कैरेक्टर गाइज लाइक डेजी अब यह देखिए यह कॉमन कैरेक्टर है गाइज डेजी डेजी बचन देखिए इससे कई सारी चीजें आप याद रख सकते हैं देखिए मेरी क्लास में गाइज वही रुक सकता है जो इंफॉर्मेशन लेने आए जो मजे करने आए ज्यादा घूम घूम के कूदने आया होगा उसको मजा नहीं आएगा क्लास में ठीक है यह बात मैं पहले बता दू आपको बी सीरियस वॉच कीजिए आपको वो नॉलेज मिलेगा जो शायद कम लोग दे पाते हैं समझिएगा डेजी गाइस सो देखिए बेसिकली मैं आपको बता दूं देखिए डेजी एक फ्लावर होता है एक फ्लावर है गाइस डेजी इसके बारे में वर्ड्स डेजी फ्लावर के बारे में गाइस अगर इसको देखे बचनन सो so, गाइज अगर आपने प्री रेफलाइट पोएट्स का नाम सुना है प्री रेफलाइट पोएट्स सो so, प्री रेफलाइट पोएट्स में एक नाम आता है जिसने क्रिटिसाइज किया था प्री रे पोएट्स को ही कॉल्ड देम फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्स गाइस। रिचार्ड बचनन, गाइस। नाम सुना है ना यस बचनन, गाइस। उन्होंने क्रिटिसाइज किया था और आपको मैं भी बता दूं, दूंगा डेजी जो है सो so आप अगर जो ज्योफ्री चासर के वर्क को पढ़ते हैं जोफ्री चासर का वर्क कैंटबरी टेल दे आर यू कैन ऑल्सो सी डिस्क्रिप्शन अबाउट डे जी और आपको कहां मिलेगा सर्च कीजिएगा कभी कभी मतलब कोशिश भी की जाती है गाइड्स जब आप कोशिश करते हैं तो आप लर्न करते हैं देखिए हमेशा चीजें जो है कनेक्टेड लर्न करनी चाहिए इफ यू आर अ पर्सन यू आर अ स्टूडेंट अ ग्रेट लिटरेचर लवर्ड सो देन हाउ यू विल गेट नॉलेज गाइड और कैसे आपको चीजें याद होंगी सो दिस इज वॉट कनेक्शन फिट कर दीजिए जय गैट्स भी देखिए ये इजी है कि क्योंकि गैट्स भी देखेंगे और गैट्स भी देखेंगे तो ये तो इजी है याद करना बट यू कैन ऑल्सो सी डेजी इज इज देयर देयर निक टॉम जॉर्डन एंड माइटर विल्सन बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आई होप सो गाइज आपको पसंद आया होगा जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की देन एक और वर्क है द कैचर इन द राय गाइज दिस इज बाई जेडी सैलिंगर और ये 1951 का वर्क है सबसे पहले ये याद कीजिए कि 1951 कैसे याद रहेगा हमें बाय द वे हमें नहीं याद तो कैसे याद रहेगा देखिए इसके लिए कुछ टेक्निक्स होती है एक तो आप 1950 ऐसे याद रख सकते हैं। इंडिया के साथ गई बड़ा अच्छा कनेक्शन है 1947, 1950, yes. दूसरा अगर आपको लिटरेचर से ही याद रखना है तो यहां पर जो मेरी टेक्निक काम करेगी वो हंड्रेड ईयर वाली देखिए 1850 में गाइस क्या हो रहा था 1850 मतलब बहुत मेरे इंपॉर्टेंट ईयर्स में से है ये क्रोनोलॉजी भी आप लर्न कर रहे हैं यहां पर गॉट इट 1850 देखिए वर्ड्स की डेथ हो गई वर्ड्स डाइड देन गाइस ग्रेट एक्सपेक्टेशन पब्लिस्ड इन मेमोरियम पब्लिस्ड मेमोरियल वर्सेस पब्लिस्ड देखिए अब आपको याद रहेगा कि एटीन एंड जस्ट एड वन ईयर गाइज और ऐसे अगर आप चाहें तो so 1951 फिफ्टी वन जेडी सैलिंगर वन हंड्रेड वन ईयर गाइज अगर आप इसमें एड कर देते हैं सो देन मैथमेटिक्स वाला काम होगा आपका एंड देन यू कैन ईजिली रिमेंबर ओ हो यस कैच इन द राइज जेडी सैलिंगर और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट में गाइज आपको बता दू इसमें आपको जो कैरेक्टर है मेन कैरेक्टर होल्ड एन कॉल फील्ड गाइज यस सी ए मेन कैरेक्टर और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है यू नो गाइज दिस वन वर्क इज अ बिल्डुंग रोमा बिल्डुंग रोमा आई मीन डेवलपमेंटरी नॉवल वॉट डज डेवलपमेंटरी नॉवल मीन डेवलपमेंटरी नॉवल मीन्स गाइज यू नो नॉवल ऑफ एजुकेशन मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ प्रोट और अगर आप इसे होल्डन एन कॉल फील्ड के बारे में पढ़ेंगे प्लीज गाइज लिटरेचर लवर्ड एटलीस्ट यू मस्ट यू मस्ट स्टडी गाइज की होल्ड एंड कॉल फील्ड कौन है जानेंगे ना आपको मजा आ जाएगा गाइज रियली आई एम टेलिंग यू सो यस द कैचर इन द राइ नाइनटीन फिफ्टी वन होल्ड एन कॉफी इज द मेन कैरेक्टर एंड गाइज एंड यस एंटोलिनी एंड स्ट्रॉडलेटर एंड गाइज यू कैन सी ये दीज आर द्री कैरेक्टर वन न टू एंड थ्री और ये एक बिल्डिंग रोमा है मस्ट रिमेंबर अगर आपने याद रख लिया सो देन यू आर ग्रेट देखिए ये गाइज आपके एग्जाम में पूछा जाता कैरेक्टर है प्लीज यस होल्डन कॉलफील्ड कॉलफील गाइज कैचर इन द राइ बाई जेडी सैलिंग ये आपको अपने माइंड में रख लेने की जरूरत है एजेंटेड गाइज यस अब देखिए थोड़ा सा आगे आइएगा अब यहां पर देखेंगे हम लॉलिता गाइज ब्लदी मीर नबोकोब इफ यू आर प्रिपेयरिंग फोर यूजीसी नेट एग्जाम डी एस एस बी और सेट एग्जाम और गेट एग्जाम ब्लदी मीर नबोकोब इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिगर यू मस्ट रिमेंबर गाइज और ब्लदि मीर नबोकोब को एक चीज के लिए पेल फायर गाइज यू ऑल आर फैमिलियर ना पेल फायर मस्ट रिमेंबर गाइज वट इज दिस पेल फायर याद कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखें प्लीज लॉलिता बाई द वे गाइड सो ये जो नॉवल है लॉलिता दिस वन नॉवल इज अल अ काइंड ऑफ नॉवल गाइस जो बहुत ज्यादा सेक्सुअलिटी को प्रमोट करता है सेक्सुअलिटी को गाइज इट वॉज बैंड क्योंकि ये जो लॉलिता गाइज अ यंग गर्ल अ यंग गर्ल गाइज एंड यू नो लव्ड बाई अ प्रोफेसर और उस प्रोफेसर ने इनकी ममा से शादी कर ली थी वॉट गाइज क्योंकि लॉलिता पसंद थी दैट्स द वर्क नाउ गाइज ब्लदी मीद नो का वर्क वॉज केम इन नाइनटीन फिफ्टी फाइव जस्ट मैंने अभी अभी आपको याद करवाया है जे डी सैलिंगर एंड नाउ यू कैन सी जस्ट आफ्टर फोर ईयर ब्लदी मीद नवोकोब्स लॉलिता गाइज बहुत ही अच्छा नॉवल है बाई वे और ये नॉवल कैसा नॉवल है गाइज इसको बोला जाता है एडल्ट फिक्शन यंग एडल्ट फिक्शन की कैटेगरी में गाइस इसे रखते हैं हम लोग कौन सी कैटेगरी में वाई ओ यू एन जी यंग एंड अडल्ट एडील एंड फिक्शन फिक्शन सो यू ऑल आर फैमिलियर मीन्स नॉवल गाइज एजेंटेड यस इन दिस पर्टिकुलर वर्क यू कैन सी कैरेक्टर लाइक हमबर्ट हमबर्ट ये प्रोफेसर है आपके एग्जाम में पता है क्या पूछते हैं प्लीज एग्जाम में पूछते हैं सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है ये किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर है गॉट इट किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर है देयर इज वन मोर वर्क एक वर्क है गाइज और जिसका नाम है हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ गॉट इट हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ अगर आपको याद होगा गाइज तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा इज अ फ्रेंड ऑफ वर्जीनिया बुल्फ एंड देयर इज ऑल्सो कैरेक्टर वो भी प्रोफेसर ही है गाइड्स सो हमबर्ट हमबर्ट एंड इज अ फ्रेंड ऑफ वर्जीनिया गाइड्स यहां पर प्रोफेसर है सो so, सी एक दूसरी चीज गाइज डोलोरेस हेज डॉलोरेस गाइज इसका ओरिजिनल नेम जो लॉलिता का है सो दैट इज डोलोरेस हेज गाइज दिस इज द ओरिजिनल नेम गोट इट ये रियल नेम है लॉलिता का बट इन लव प्यार से सब लोग उसे लॉलिता बोलते हैं बाकी ओरिजिनल नाम उसका यह है हेज वन मोर कैरेक्टर शर्लॉट हेज मदर एना जॉन फॉलो दीज ऑल आर द अदर कैरेक्टर बट यस हंबर्ट हंबर्ट लॉलिता एंड शर्लॉट हेज दीज आर द इंपोर्टेंट कैरेक्टर एंड क्लेयर क्विलटी दीज आर द इंपोर्टेंट कैरेक्टर अपियर इन द वर्क लॉलिता एंड मस्ट रिमेंबर गाइज ये लॉलिता दिस इज अल दिस इज अल याद रखिएगा अब ये गाइज लास्ट में जो है ये इससे आपके एग्जाम में दो तीन बार क्वेश्चन आए हैं मैं आपको सिखाता हूं कैसे आते हैं यस इेट यून विद मी वर्जीनिया वुलडर ऑफ फैमनिस्ट हुई फ्रेंड ऑफ वर्जीनिया वुल एडवर्ड एल बी यस गाइज राइट एडवर्ड एल बी मास्टर का वर्क है एंड यस कैरेक्टर्स आर देयर एंड इज देयर हु इज प्रोफेसर गाइज यस हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ चलिए देखिए यूलिसिस बाय द वे देखिए यूलिसिस का जब नाम आता है तो हमारे सामने थोड़ा मिथिकल बैकग्राउंड यू ऑल आर फैमिलियर मिथिकल बैकग्राउंड हमारे सामने आ जाता है और मिथिकल बैकग्राउंड को देखिए थोड़ा सा समझिएगा यूलिस गाइज ओडिसी और यूलिसिस देखिए ऑडिसी ग्रीक वर्ड है यूलिसिस लैटिन वर्ड है मस्ट नंबर गाइज ऑडिस दैट इज ग्रीक वर्ड यूलिसिस दैट इज लैटिन वर्ड बेसिकली और इसके बाद आ जाइए दिस इज बेसिकली यू नो गाइज ऑफ मिथिकल कैरेक्टर जिसकी हम बात कर लेते हैं बट एक इसी टाइटल का वर्क लिखा था जेम्स जॉयस ने 1922 वो तो याद है आपको वेस्टलैंड एंड दिस वन अच्छा थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश कीजिए एक भी है ना अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन की देर इज अ पोयम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन इट वाज केम इन द ईयर 1842 जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन की पोयम सो गाइड सी यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस और यहां पर जो कैरेक्टर है एक लियोपोल्ड ब्लूम है गॉट इट एंड यहां पर दूसरी जो कैरेक्टर है वो है मोली ब्लूम गाइस, है ना जस एंड स्टीफन डेडलस देखिए मैं आपको बता दूं इन तीनों कैरेक्टर्स को रट जाइएगा हंड्रेड परसेंट एवरी वन ऑफ यू गाइज यू मस्ट रिमेंबर देखिए कैसे लियोपोल्ड ब्लूम एंड मोली ब्लूम सो दीज आर हस्बैंड एंड वाइफ की अगर मैं बात करूं यस yes. और ये जो स्टीफन डेडलस नाम का कैरेक्टर है इस वर्क में गाइस एग्जाम में देखिए इस आ, मैंने दो बार के एग्जाम में देखा है जैसे कॉमन कैरेक्टर होते हैं जैसे आप समझिए कि जोसफ कॉन जोसफ खर्नाट जो की अगर गाइस वर्क देखेंगे सो चार्ल्स मार्लो मार्लो नाम का कैरेक्टर जरूर रहता है एम ए आर एल ओ डब्ल्यू ई चार्ल्स मार्लो गॉट इट चार्ल्स मार्लो वहां पर जरूर कैरेक्टर रहता है ये आपको याद ही होगा सो so, इसमें गाइज जैसे अगर आप देखें इन यूलिसिस देर इज अ कैरेक्टर स्टीफन डेडलस और एक और वर्क है जिसमें सेम कैरेक्टर आपको मिलेगा स्टीफन डेडलस गाइज गॉट इज सेम कैरेक्टर सेम नेम का कैरेक्टर एंड देट इज ऑल्सो वर्क बाई जेम्स जॉयस सो दिस इज वॉट कॉमन कैरेक्टर जैसे अगर मैं बात करूंगा गाइज शर्लॉक होम सीरीज एंड ऑल सो सरलॉक होम नाम का कैरेक्टर आपको एक डिटेक्टिव कैरेक्टर मिलता है देखने को यस ऑन द सेम वे दिस इज ऑल्सो सो स्टीफन डेडलस आपको यहां पर याद रखना है अपियर इन जूलिस एंड यस लियोपोल ब्लूम एंड मॉली ब्लूम बट डू नॉट फॉगेट गाइज मैरियन भी नाम है इसका मैरियन और मॉली ब्लूम मैरियन और मॉली ब्लूम मस्ट रिमेंबर अगर आपको याद रहेगा देन यू आर द बेस्ट और अगर नहीं याद रहेगा देन ऑल्सो यू आर द बेस्ट क्योंकि आप याद करने की पूरी कोशिश करेंगे गाइड्स एक वर्क है द हाउंड ऑफ बैस्कर वाइल्स आपने नाम सुना होगा इनका अर्थर कॉन डायल का देखिए कम आते हैं आपके एग्जाम में बट कभी कभार गाइड्स डिटेक्टिव फिक्शन में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मस्ट रिमेंबर इन डिटेक्टिव फिक्शन ये इंपॉर्टेंट है अर्थर कॉनन डायल ठीक है यस सी हाउंड ऑफ सो इसमें एक कैरेक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज सरलॉक होम्स अगर आपसे कभी पूछे डिटेक्टिव कैरेक्टर इट इज गाइस यस डिटेक्टिव कैरेक्टर इट इज और ये ज्यादातर गाइस वर्क्स में आपको अर्थर कॉनन डायल के वर्क्स में आपको सरलॉक होम्स देखने को मिलेंगे एंड इवन सरलॉक होम सीरीज इज देयर यस पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट डेडलस मिलेंगे दोबारा से है ना स्टीफन डेडलस इन पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन इन दीज टू वर्क यू कैन सी द सेम कैरेक्टर द कैरेक्टर ऑफ सेम नेम जो आपको मिलने वाला है तो देखिए और आप किसी को याद रखें ना याद रखें इसको याद रखिएगा सरलॉक होम अर्थर कॉनन डायल एंड अर्थर कॉनन डायल के कई सारे वर्क्स में आपको सरलॉक होम मिलेंगे ठीक है चलिए अनादर वन सो दिस इज गाइज टू किल अ मॉकिंग बर्ड टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाई हार्परली हार्परली इज गाइज दिस वन वर्क केम इन द इनटीन सिक्सटी नाइनटीन सिक्सटी वो टाइम पीरियड था गाइस जब पोस्ट मॉडर्न एरा था ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न एरा टाइम पीरियड यू हैव सीन अब्जर्ड थिएटर एंड वर्क्स लाइक दैट वाज़ देयर इजंट इट यस इट इज अब थोड़ा सा हम बात करेंगे देखिए लाइक स्कॉट फिंच एटिकस फिंच जेम फिंच यहां पर गए जो कैरेक्टर हैं तो कुछ आपको नाम याद रखना है फिंच याद रख लीजिएगा यस फिंच गॉट इट टू किल अ मॉकिंग बर्ड हार्परली सो so, इसमें गाय जो मेन कैरेक्टर है वो फिंच से है लेकिन एक चीज आप कभी ना भूलिएगा इसमें कैलपोर्निया नाम की कैरेक्टर है एंड कैलपोर्निया गाइड सो कैरेक्टर कैन बी सीन इन रोमन हिस्ट्री गाइड यस ये जो कैरेक्टर है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यस yes, और ये इंपॉर्टेंट है गाइज आपके लिए स्काउट फिंच एंड एटिकस फिंच दीज टू कैरेक्टर सो जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में एक और गाइज क्वेश्चन आता है आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज और ये कौन सा है तो मैं आप सॉरी मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इस एग्जाम एक इसकी आती है बिल्डुंग रोमा गाइज बिकॉज दिस इज ऑल्सो डिवलपमेंट्री नॉवल और डिवलपमेंट्री नॉवल में बिल्डुंग रोमा गाइज ये जरूर पूछा जाता है कई बार आपके एग्जाम में गौतिक थ्रिलर डोमेस्टिक नॉवल लीगल एंड ऑल बट यस ये गाइज इंपॉर्टेंट है बिल्डुग रोमा एग्जाम में पूछा कैसे जाता है which अमंग द following इज नॉट अ बिल्डुंग रोमा और विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बिल्डुंग रोमा ऐसा करके गाइज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि देयर इज अ कैरेक्टर दैट इज कॉमन कैरेक्टर ये देखिए गाइज कॉमन कैरेक्टर मींस स्टीफन डेडलस इन यूलिसिस एंड स्टीफन डेडलस इन पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन देखिए इसी टाइटल टाइप का एक वर्क है यू ऑल आर फैमिलियर मे बी की फैमिलियर होंगे उम्मीद करता हूं मैं ऐसी सो पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट यंग मैन एंड देयर इज अ वर्क पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एंड पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी गाइस थ्री वर्क है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी मतलब आप समझते ही होंगे अगर जानते हैं पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एक तो हेनरी जेम्स का ये नॉवेल है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी गाइज एक पोयम है जो है एलियट की एलियट गाइज और यहां पर हेनरी जेम्स और एक पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है जिसका जो स्टोरी है बेसिकली और यह स्टोरी किसकी है यह है खुशवंत सिंह सर की खुशवंत सिंह ठीक है सो so, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी अगर देखा जाएगा so नॉवल है दैट इज बाय हेनरी जेम्स पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी अ पोयम बाय एलियट पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी शॉर्ट स्टोरी बाय खुशवंत सिंह सर है ना ट ऑफ आर्टिस्ट है इंपॉर्टेंट पार्ट इज ये गाइज यहां पर कैरेक्टर कॉमन वाले मिलेंगे स्टीफन मैरी जॉन और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट में जो पार्ट है दैट इज बिल्डिंग रोमा देखिए आपके एग्जाम में कई बार जो क्वेश्चन आते हैं ना विच अमंग द फॉलोविंग इज एट बिल्डुग रोमा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट है ना तो इस चीज को बहुत ही अच्छे से सभी स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए कि बिल्डिंग रोमा डेवलपमेंट्री नॉवल एजुकेशनल नॉवल और यू नो गाइस नॉवल ऑफ एजुकेशन सो इनको जरूर याद रखा जाता है जहां पर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है डेवलपमेंट हां प्लीज मैं आपको बता दूं लास्ट में जो ये भी तो आपको थोड़ा सा अनफेमिलियर टाइप के दिख रहे होंगे कुछ मैंने फैमिलियर भी लिए हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस क्लास में मेरा पर्पज है मैं बहुत कुछ आपको सिखा है ना चलिए आपने मेटा के बारे में सुना ही होगा एसोसिएटेड विद काफ का और आल्सो अ वर्क बाय ओविड ओविड गाइस है ना याद है किसी को ओविड और कोविड का कनेक्शन बड़ा अच्छा है ओविड और कोविड बट इतना ज्यादा अच्छा कनेक्शन मत बनाइएगा सो मेटा बाय बाई ओविड एंड फ्रेंच काफ का एज वेल तो देखिए दो लोगों ने सेम टाइटल का वर्क लिखा है मेटा मोरफसिस फ्रेंच काफ का एंड इट वाज केम इन द ईयर 19 गाइस व्हेन इट वाज केम सो इट वाज केम इन द ईयर नाइनटीन फिफ्टीन ये तो बात क्लियर हो गई चलिए 16 और 15 दोनों का कनेक्शन काफी अच्छा बन रहा है याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं बिल्कुल देखिए 16 में गाई आया पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन एंड 15 में फ्रांच का आपका मेटा 17 की अगर मैं बात करूं 1917 लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक वो वर्क आया था है ना चलिए अब मोर्फसिस में गाइज एक कैरेक्टर है जिसका नाम है ग्रेगर सामसा ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और आपकी एग्जाम में आता है ग्रेगर और इसकी की भी आपको देखने को मिलेगी जी आर ई टी जी आर ई टी ई दिस इज द नेम जो ग्रेगर सामसा की सिस्टर है एंड साम्सा वॉज कन्वर्टेड इन टू मॉन्स्टर मॉन्स्टरबिंग और मोर्फसिस का मतलब ही होता है चेंजिंग है ना गाइस कन्वर्जन क्लियर है ना सभी को मजा नहीं आ रहा है ना मजा आने के लिए पता है क्या करना चाहिए हाँ टू मेक इट इंटरेस्टिंग टेलीग्राम चैनल पर इसे शेयर करने की जरूरत है भाई अब आप लोग कहेंगे तो करना पड़ेगा ना यस yes. सी इनविजिबल मैन इनविजिबल मैन गाइज दिस इज बाई रखिये कमेंट बॉक्स आपका है आप मुझे बताएंगे है ना, guys? इसमें जो कैरेक्टर है गईस उसका भी नाम इनविजिबल मैन है वो गाइज इनविजिबल मैन ही उसका नाम है तो मैं आपको बता दू इसको कहा जाता है नेमलेस कैरेक्टर नेमलेस कैरेक्टर इट मींस आपको यह याद रखना है कि क्या कोई नेमलेस कैरेक्टर है आंसर इज इन इनविजिबल मैन बाय राल फेलिशन अ कैरेक्टर कैन बी सीन उसका नाम ही इनविजिबल मैन है क्योंकि वो इनविजिबल रहता है लेकिन उसका और कोई नाम नहीं दिया गया है दैट्स दैट गाइस नेमलेस कैरेक्टर इसे कहा जाता है एंड दिस इज ऑल्सो अलडुंग रोमा बिल डुंग रोमा डेवलपमेंट्री नॉवल एज ऑलरेडी टोल ऑर नॉवेल ऑफ एजुकेशन इसे हम कंसिडर करते हैं क्लियर रहेगा ना आपको आपके एग्जाम में पूछा जाता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वी कैन सी अ नेम लेस कैरेक्टर और अगर वहां पर इनविजुबल मैन ऑप्शन में है सो देन हंड्रेड परसेंट डेफिनेटली राइट आंसर इन विजुबल मैन ही होना चाहिए और अगर नहीं हुआ तो कर दीजिएगा आप लोग है ना जबरदस्ती कर दीजिएगा बोले हम करके मानेंगे चलिए देखिए यहां पर गाइस एक वर्क आपने नाम सुना होगा कभी ना कभी वन हंड्रेड ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड सुना है कि नहीं वन हंड्रेड ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड गाइस अब ये जो वर्क है सो फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट रिमेंबर ये गैब्रियल गार्सिया माकज का है और मैं आपसे पूछना चाहूंगा गैस मेरा मन कर रहा है मेरी आत्मा अंदर से मुझे कह रही है कि पूछो अंकित है ना तो मैं पूछ लू क्यों नहीं पूछेंगे पूछेंगे आप मुझे यह बताइए कि, कि किस लैंग्वेज का वर्क है ये किस लैंग्वेज का वर्क है और अगर आप मुझसे कहें कि सर ऑप्शन दे दीजिए तो ऑप्शन भी मैं दे सकता हूं है ना फ्रेंच इंग्लिश लैटिन स्पैनिश आप ऑप्शन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका आंसर यस yes. 100 हंड्रेड इस ऑफ सॉलिट्यूड गाइज और यहां पर देखिए जो कैरेक्टर है लाइक जोस आर क्यारियो बोइंडिया और कॉलेनल और लेनियो बोइंडिया गईज सो ये देखिए यहां पर जो कैरेक्टर है बी यू एन डी आई ए ये तो इसकी पहचान हो गई कि जो कैरेक्टर मिलने वाले बट गाइज हमेशा पहचान नहीं होती जोस आर्डियो याद रखिएगा आर्केडिया आर्कैडियो ऐसे करके कर लीजिएगा ठीक है वर्क जो फेमस है किस लिए मैजिकल रियलिज्म दिस इज अ काइंड ऑफ टेक्निक गाइस गोट इट दिस इज अ काइंड ऑफ टेक्निक खा गए ना गच्चा सभी लोग गच्चा ही खाते रहते दे, देखिए सबने स्पेनिश फटाफट लिख दिया अरे स्पेनिस स्पैनिस है पढ़ के आइए गर्ण सच में बता रहा हूं मैं यूजीसी नेट में ना मैं दिखूंगा प्रमाणिक सर यू आर ग्रेट सर आई एम ब्लाइंड स्टूडेंट ऑफ योर्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं ग्रेट नहीं हूं आपके मैं किसी काम आ सकूं बस यही मेरी एक इच्छा है और बाकी इच्छा है कि दो चार पैसे कमा करके अपने परिवार और अपनों का पालन पोषण कर सकूं बस यही मेरी इच्छा है जस्ट आई वॉन्ट टू डू द थिंग और बाकी और कुछ नहीं है पढ़ो और पढ़ाओ ट्वेंटी नाइन ईयर का हो गया हूं मैं और मेरी जिंदगी के कुछ समय और बाकी हैं मतलब अगर सही शॉट जिया तो फिर ट्वेंटी नाइन के थर्टी ईयर और मान लीजिए बस और मैं चाहता हूं कि इन थर्टी ईयर्स में कुछ ऐसा कर जाऊं कि मेरे इस दुनिया में ना रहने के बाद भी लोग मुझे याद कर पाए राजवीर वॉज देयर कभी कभी पढ़ाता था बहुत दुष्ट टाइप का टीचर था यस बस मुझे लोग ऐसे ही याद करें यही मैं चाहता हूं बस और कुछ नहीं एंड बाई द ग्रेस ऑफ गॉड रियली कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ब्लाइंड स्टूडेंट को भी मैं टीच कर सकता हूं और थोड़ा बहुत लर्न कराने की कोशिश कर रहा हूं ये मैजिकल रियलिज्म इसमें टेक्निक यूज की गई है बाई हैज रियलिज्मेक्निकल्सो बीन इंप्लॉयड बाई सलमान रसदी गाइज यस सलमान रसदी इज ऑल्सो देयर है ना सलमान रसदी भी है और सलमान रसदी ने भी मैजिकल रियलिज्म गाइस टेक्निक को अप्लाई किया है एंड गैब्रियल गार्सिया मार्किस गाइस इनका नाम भी बहुत ही अच्छे से लिया जाता है फॉर अप्लाइंग द टेक्निक नोन मैजिकल रियलिज्म गाइस देखिए क्लारिसा डॉलवे गाइस एक बात मैं आपको बता दूं कि क्लैरिसा डॉलवे एक कैरेक्टर है बाई दो वे. अगर इसको इतना कट कर दे क्लैरिसा डॉलवे इज अ कैरेक्टर इन मिसेस डॉलवे और मिसेस डोलवे बाय वर्जीनिया वुल्फ है ना गाइस और वर्जीनिया वुल्फ बहुत ही ज्यादा फेमस है किसके लिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस टेक्निक गाइस गॉट इट यस गॉट इट ना सो थर्ड यस गाइस यू नो वर्जीनिया वुल्फ जो है सो so ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस टेक्निक के लिए जानी जाती है एक चीज नोट कीजिएगा A stream of consciousness technique that was developed by whom? That was developed by William James in his work *Principle of Psychology*. Applied by Manning. Developed by William James. Okay. Here in this one work, you can see character like Mrs. Clarissa Dolway, Septimus Warren Smith, and Richard Dolway. इट ब्रेड रेज यान स्मिथ और गाइज इसे एक साइकोलॉजिकल फिक्शन कंसिडर किया जाता है साइकोलॉजिकल नॉवल इट इज गाइज है न? और आपको जो मैं टेक्निक बता रहा था सो दट इज एसोसिएटेड विथ वुल्फ लाइक इनका वर्क है गाइज द रूम ऑफ वनस ऑन एंड यस टू द लाइट हाउस डू नॉट फॉग इट गाइज टू द लाइट हाउस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क और यूजीसी को तो इससे प्यार है टू द लाइट हाउस से है ना यस yes. कभी पूछेगा गाइज हु इज द पेंटर लिली ब्रिस्कोई मेन कैरेक्टर और द द बॉय गाइज है ना सो so, देखिए यहां पर जो कैरेक्टर्स है टू द लाइट हाउस बाई वर्जीनिया वुल्फ 1927 एक चीज और याद रखिएगा वर्जीनिया वुल्फ को लेकर के वर्जीनिया वुल्फ स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस टेक्निक के लिए जानी जाती है एंड सी वॉज फैमनिस्ट एज वेल गाइज फेमिनिस्ट एज वेल काफी अच्छे से विलियम शेक्सपियर की इमेजिनरी सिस्टर बना डाला इन्होंने है ना जुडित शेक्सपियर और गाइज यू नो एक एग्जाम्पल और आता है गाइज फिसिंग एंड ऑल फिसिंग एंड ऑल का एग्जाम्पल भी इसमें पुट किया इन्होंने एंड वर्जीनिया यू नो गाइज सी वॉज रियली अ ग्रेट मैन मिस्टर एंड मिसेज बैनेट जिंग अराउंड नाइनटीन टेन एंड ऑल तो वो एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है इनका यस मिसेज रैमजे एंड मिस्टर रैमजे लिली ब्रिस्कोई चार्ल जेम्स रैमजे यूनो गीज ऑल आर द कैरेक्टर एंड द वर्क इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट जो बहुत इंटरेस्टिंग है लाइट हाउस एंड यू नो गाइज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट वन टू एंड थ्री गाइज गट इट यस वन टू एंड थ्री सो थ्री पार्ट आर देयर उनको जरूर याद रखिएगा थ्री पार्ट वर द्री वन इज विंडो देन देन अनादर वन वन इज इज टाइम पासिंग एंड थर्ड लाइट हाउस सो डब्ल्यू टी एल डब्ल्यू टी एल गाइज है ना यस डब्ल्यू टी एल सो ये याद रखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है गाइज अब आते हैं हम यहां पर थोड़ा सा नेटिव सन The work is associated with Richard Wright, guys. Native Son by Richard Wright, 1940, guys. इसमें देखिए एक कैरेक्टर को ज्यादातर जो पूछा जाता है एंड वॉट इज दैट लाइक देखिए बिगर टॉमस जैन एरलोन मिसेस टॉमस मैरी डाल्टन हेनरी डाल्टन देखिए बिगर टॉमस को पूछ लिया जाता है और अगर नहीं पूछा जाता तो यहां पर ज्यादातर जो एग्जाम में आता है नेटिव सन इज द वर्क बाई रिचार्ड राइट रिचार्ड राइट गाइड्सिहां तक मुझे लगता है सो रिचार्ड राइट ही वॉज राइटिंग फॉर नी ग्रोच ये बात एंड दिस इज अकोलॉजिकल फिक्शन आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज दिस वन विच अमंग द फॉलोइंग इज दैट वन ये किस टाइप का वर्क है वो किस टाइप का वर्क है ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं ठीक है कैच ट्वेंटी टू कैच ट्वेंटी टू जोसफ हेलर नाइनटीन सिक्सटी वन और यहां पर एक कैरेक्टर है जो कैरेक्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है गाइज कैच ट्वेंटी टू जोसफ हेलर योसारियन गाइज है ना यस yes. ईओ डबल एस ए आर आई ए एन मेन कैरेक्टर और बाई दबाई से अगर कैटेगराइज किया जाए अब्जिस्ट वर्क कंसिडर करते हैं कैच ट्वेंटी टू को एब्जेडिस्ट वर्क एसोसिएटेड विद अब्जर्ड राइटिंग और अब्जर्ड प्लेज है ना यस गॉट इट ना बिल्कुल देन सी गॉन विद द विंड गॉन विद द विंड मार्गरेट Michelle का गाइज वर्क है नाइनटीन वाला और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइज दैट इज स्कारलेट ओहारा ये जो कैरेक्टर है ना गाइज यस स्कारलेट ओहारा ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है गॉन विद द विंड गॉन गॉन इन विद द विंड गाइज ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में बिल्कुल अब आप कहेंगे कि सर आप कैसे कह रहे हैं सबसे ज्यादा पूछा जाता है सर्च कर रहा था मैं देख रहा था कि कौन कौन से पूछे जाते हैं कौन कौन से इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो सकते हैं नेक्स्ट डे गाइज सेम टाइम पर फिर मैं क्लास लूंगा बारह से एक बजे के बाद बीच में डेली मेरी क्लास होती है अब मैं बारह से एक बजे क्यों कह लेता हूं कई बार व्यस्तता होती है जीवन वाली व्यस्तता लाइफ की व्यस्तता की वजह से गड़बड़ हो जाता है मामी हर्ट ऑफ डार्कनेस ये तो आप जानते होंगे गाइज जोसअ कॉनराइड और जोसेफ कॉन्ट के लिए अगर किसी भी वर्क का ज्यादातर नैरेटर पूछ ले तो चार्ल्स मार्लोव आप क्लिक कीजिएगा सी एच ए आर एल ई -E एस एम ए आर एल ओ डब्ल्यू -E, गाइज चार्ल्स मार्लोव अगर आप याद रखेंगे इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा गाइज बिल्कुल एंड अदर कैरेक्टर्स आर देयर बट चार्ल्स मार्लोव एज दैरेटर एज अटर गाइज है ना बिल्कुल गाइज ठीक है यस गाइस सो प्लीज मस्ट रिमेंबर यह बात जरूर याद रखेंगे चार्ल्स मार्लोब का हर्ट ऑफ डार्कनेस अदर वर्ग्स आर देयर लाइक नो स्ट्रैमो एंड ऑल यस गाइज लकी लॉर्ड लॉर्ड जिम गाइज है ना यस सो प्लीज ये याद रखिएगा यस लकी जिम लॉर्ड जिम एंड किम देखिए एल यू सी के वाई लकी जिम लॉर्ड जिम एंड किम गाइज ये तीनों अलग अलग वर्क हैं और अलग, अलग अलग राइटर्स के हैं लकी जिम बाई किंग्स एमिस के आई एन जी एस किंग्स ले एमिस एंड लॉर्ड जिम लॉर्ड जिम बाई गाइज कॉन सी ओ एन आर ए डी गाइज देन किम रुद्यार्ड किपलिंग ड किपलिंग ठीक है यह बात याद रहनी चाहिए आप सभी को रुद्यार्ड किपलिंग लकी जिम लॉर्ड जिम किम है ना काफी मिलते जुलते नेम है बट कई बार हमें प्रॉब्लम आ जाती है गाइस. ऑलवेज डू रिमेंबर गाइस, अगर आप और हां एक चीज याद रखिएगा 8 पीएम मेरी क्लास आज होगी 8 पीएम ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म जैसा कि मैं हमेशा प्रॉमिस करता हूं है ना चलिए गाइज uh, अभी एक और वर्क यहां पर टिन ड्रम गुंटन ग्रास सो so, गुंटर ग्रास के वर्क का नाम आपको याद रखना है गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ हर वर्क्स एंड टिन ड्रम गाइज दिस इज द वर्क जैसे ड्रम की बात आती ना सो so, ड्रम इन बर्थडे पार्टी बीपी बाई पिंटर गाइज है ना बर्थडे पार्टी बाई पिंटर और इसमें जो ड्रम है वो गिफ्ट किया जाता है किसको स्टैंडलीस इस को इसमें भी अगर गाइज आप देखें सो टिन ड्रम दिस इज अ वर्क यहां पर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है ऑस्कर मैट जिरात एंड गाइज यू नो ये डोआर्फ होता है छोटा सा गाइज यू नो यस और ये भी गाइज कहीं ना कहीं उस ड्रम को पीटने का काम करता है इट ना या सो ड्रम एंड ड्रम एक तो बर्थडे पार्टी में आपको ड्रम मिल जाएगा दूसरा ड्रम यहां पर मिलेगा टिन दी, टिन ड्रम बाय गुंटर ग्रास एंड हियर अ कैरेक्टर ये कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है गाइस डॉर्फ ऑस्कर मैटराथ गाइस याद रहेगा ना सभी को देखिए ये कनेक्शन बनाए जाते हैं इफ यू आर अ गे ग्रेट लर्नर सो ऑलवेज कनेक्शन स्टैब्लिश कीजिए वन कनेक्शन विद अदर वन और जैसे ही आप कनेक्शन स्टेब्लिश करेंगे यू वॉट गाइड यू अरे मतलब सिंपल गाइड यू कैन डू एनी थिंग यू कैन लर्न एनी थिंग एंड आप कनेक्ट करेंगे जब आप तो ईजिली आप अपने एग्जाम में आंसर भी कर पाते हैं दिस इज वॉट नेक्स्ट वन देखे देखिए गाइज ये जो इस, इस वाली स्लाइड में जो ये तीन चार वर्ग्स आपको दिख रहे हैं इनसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं फ्रीक्वेंटली गाइड्स मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सब लोग जानते हैं गाइज ग्रेट एक्सपेक्टेशन डेविड कॉपरफील्ड प्राइड एंड आप इन तीनों वर्क्स को बहुत अच्छे से जानते यू ऑल आर फैमिली यू ऑल माइट बी फैमिली नहीं कह सकता कि पता हंड्रेड परसेंट है या नहीं बट यस आई एम टेलिंग यू लाइक सी ग्रेट एक्सपेक्टेशन ग्रेट एक्सपेक्टेशन देखिए चार्ल्स डिकेंस का जो वर्क है गाइज और इसे हम लोग बोलते रहते ना बायोग्राफी एक चीज याद रखिएगा गाइस कि दिस इज नॉट एन ऑटोबायोग्राफी बट ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स आर देयर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स आर देयर बट नॉट ऑटोबायोग्राफी गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल बायोग्राफिकल एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे इसमें ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड डेविड कॉपरफील्ड इन दोनों में गाइस बायोग्राफिकल एलिमेंट्स आपको मिलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन

फिलिप पिरिप गाइस ऐसा नाम है पी एच आई एंड एल आई पी एंड पी आई डबल आर आई पी बट गाइज यू नो सब लोग इसे पिप पिप बोलते थे तुम्हारा क्या नाम है बेटा वो बोलता था पिप छोटे बच्चे कहां बोल पाते हैं वही वाला हाल हो जाता है वो जो आपने एक इंटरव्यू देखा था ना डू यू हैव अ गर्ल फ्रेंड न्यो बट माई ब्रदर हैज वो वाली बात याद कर लीजिएगा ना डू यू हैव अ गर्ल फ्रेंड देखिएगा यूट्यूब में मजा आ जाएगा देखने पर एक छोटा सा बेबी है डू यू हैव है गर्लफ्रेंड सो उसने कहा नो बट माई ब्रदर हैव वन सो फिर वो पूछता है कि पसंद है क्या तुम्हें बताता है हाँ बिल्कुल पसंद है फिर वो पूछता है कि कुछ आगे के लिए और पूछ लू पता है क्या पूछता है कि क्या कभी तुम्हारे साथ शेयर करता कहता भाई तो शेयर नहीं करता लेकिन गर्लफ्रेंड ही शेयर कर लेती है ग्रेट भाई क्या आइडिया है गाइस व्हाट एन आइडिया सर जी

हैं जिनके कैरेक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है सो सी गाइज पिप है बात करूं डेविड कॉपर फील्ड बाई ऑल्सो डिक्स केम इन द इन एट फाइव जीरो अठारह सो पचास डेविड कॉपर फील्ड मेन कैरेक्टर एंड यू कैन सी गाइज लाइक मिस्टर डिक यूरिया हीप विकी

है ना यस हाँ, फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड यस सब लोगों ने हंस लिया क्या देखा है गजब का वीडियो डू यू हैव अ गर्ल फ्रेंड एंड उस बच्चे की मतलब कॉन्फिडेंस देखिएगा कितना जबरदस्त है प्राइड एंड प्रिजडिस जैन आस्टिन प्राइड एंड प्रिजडिस बाई जैन आस्टिन है ना बिल्कुल सबसे पहली चीज याद रखिएगा kind of तो देखा ही सो कॉमेडी ऑफ मैनर्स के बाद नॉवल ऑफ मैनर्स को देख लीजिए ठीक है जैसे गाइज रिवेंज ट्रेजेडी ड्रामा में होती जिसमें भूत मिलेंगे आपको घोस्ट वेचर्स एंड ऑल गाइज आपको ये इस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे अगर उसे नॉवल में देखें नॉवल so जैसे घोस्ट एंड ऑल गाइज रिवेंज ट्रेजडीज में वैसे गौतिक नॉवल गाइज गौतिक फिक्शन तो नॉवल में गौतिक हो गया और ड्रामा में रिवेंज वाला जहां पर घोस्ट एंड ऑल आपको मिल जाएंगे है ना बिल्कुल एंड नॉवल ऑफ मैनर्स एंड कॉमेडी ऑफ मैनर्स सो यू नो गाइज इन कॉमेडी ऑफ मैनर्स रिडिक्यूलिंग द मोरल्स एंड मैनर्स ऑफ अपर क्लास सोसाइटी और इसी तरह गई इस नोवेल्स ऑफ मैनर्स में यहां पर भी मैनर्स पर मैनरिज्म पर फोकस किया जाता है इन प्राइड एंड आर सिस्टर्स गाइज है ना यस yes, जिसमें से एलिजाबेथ जैन बैनेट है ना गाइज एलिजाबेथ जेन एंड एक का क्या नाम है गईज लीडिया बैनेट दीज आर द फोर सिस्टर्स आई थिंक और ये जो गई सिस्टर्स हैं इनकी जो ममा है मिस्टर मिसेस बैनेट वो तो सिर्फ इसीलिए परेशान है कि कही न कहीं ना कहीं जुगाड़ बना के शादी कर दी जाए गॉट इट सो दैट दैट्स दिस इज नोन एज यस नॉवल ऑफ मैनर्स यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है आपका प्राइड एंड प्रेजिडिस दैट इज नोन एज एल वाई डी आई ए लीडिया एंड विकहम एपिसोड ये गाइज बड़ा इंटरेस्टिंग है लीडिया विकहम एपिसोड सब प्लॉट की तरह इस पर्टिकुलर वर्क में है प्राइड एंड प्रेजिडिस में ठीक है आ जाइए थोड़ा सा आगे ये देखिए प्रेजेंटेड और ये है एटीन हार्डी का वर्क 1891, 1891 में आया था बस ये समझ लीजिए कि मेरे जन्म से एक सौ साल एक सौ एक साल पहले मेरा जो बर्थ हुआ गाइज 1992 में हुआ ज्यादा गड़बड़ लिख दिया क्या 192 लिख दिया मतलब मेरी भी गणित कभी कभी गड़बड़ आ जाती है 1992 एंड यू नो गाइज 1891 इजेंट इट हाँ सो बस गाइज 101 हंड्रेड ईयर इसके लिए आप जोड़ सकते हैं मैंने अपना बर्थडे बता डाला आप सबको सो गाइज दिस वन वर्क इज रियली अस नाइस वर्क इट इज and hardy a regional novelist guys he was r e g i o n a l and novelist guys likha kis place ke bare mein hai wessex w e W b -S, s e x wessex is the place jiske bare mein inhone likha thomas hardy ne and this is the novel guys jisko thomas hardy ne bahut hi बढ़िया से लिखा है in this one character guys there is a girl see what cheated by angel claire ये angel भाई इन्हीं ने चीट किया था बड़े समझदार आदमी थे है ना यस सो यस एंजेल क्लियर इसने ने टेस को गाइस चीट किया था टेस इनके यहां काम करती थी एंड एंजेल ने रेप किया था टेस का और जब रेप किया एंजेल ने तो टेस को एक बेबी बॉय हुआ था सोरो एस ओ डबल आर ओ डब्ल्यू गाइस शोरो वाज द नेम ऑफ द बेबी बॉय उसका नाम सोरो रखा गया था है ना बट वो उसकी डेथ हो गई थी गाइस है ना शोरो

उस डेयरी में मिले थे एंजल है ना नाम जरूर एंजल था लेकिन जब पता चला कि टेस्ट के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है सो एंजल भाई रात में ही अपनी फर्स्ट नाइट में भाग लिए बोले अब हम नहीं रुकेंगे गॉट इट चले गए बाद में रियलाइज किया एंड एट दैट टाइम गई जब तक एंजल रियलाइज करते ब्राजील से वापस आते तब तक टेस्ट ने एलेक के पेट में सीधे चाकू घुसेड़ दिया था बोली थी कि बेटा आप छोड़ेंगे नहीं तुमने हमारे साथ किया और अब हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ठीक है यस yes. सो so, जो टेस्ट थी गाइस टेस्ट ने एलेक को मार भी दिया था एंड फाइनली सी वॉज ऑल्सो पनिस्ड एंड यू नो गाइज जस्टिस वॉज डन सीधा सा आंसर आया था जस्टिस वॉज डन एट द एंड ऑफ द वर्क यू कैन सी गाइज जस्टिस वॉज डन और जस्टिस कैसे हुआ था गैस जो सही था उसे उसे ही पनिश कर दिया गया और जो गलत था उसके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं मार दिया गया बस वही था मेयर ऑफ ब्रिज ये भी गाइज इंटरेस्टिंग नॉवल है थॉमस हार्डी द लाइफ एंड डेथ ऑफ मैन ऑफ कैरेक्टर गाइज मैन ऑफ कैरेक्टर थे भाई साहब अपनी वाइफ को बेच दिया था इन्होंने एंड यू नो गई फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज कंसिडर्ड एज ही वॉज यू नो गाइज कंसिडर्ड एज कि ये मैन ऑफ कैरेक्टर है ये कहिए कैरेक्टर ढीला वाला मैन था ये है ना यस सो ही सोल्ड हिज वाइफ ये कौन था गाइज जिसका नाम था बेसिकली माइकल हेनचार्ड सी माइकल हार्ड मेन कैरेक्टर इसने अपनी वाइफ और अपनी बेटी गाइज एलिजाबेथ और जेन को दोनों को बेच दिया था सेल कर दिया था है ना और किसको न्यूशन नाम के गाइज एक एक सेलर को न्यूशन वॉज द नेम ऑफ द सेलर इसको इसने शेल कर दिया था गई है ना बिल्कुल और एक यहां पर एक बहुत ही अच्छी लेडी है लेडी का नाम है अच्छी ना कहिए लुसेट्टा टेम्पलमैन जो पिलाया था जिसने इनको दम से पिलाया था और बाद में बोले भाई साहब की यस अब आज पार्टी हो रहेगी मैं अपनी वाइफ को बेच रहा हूं कोई लगाना चाहे तो लगा सकता है लाइक दिस और बेच डाला भाई ने बाद में पता चला कि गईस यूनो ट्वेंटी वन ईयर के लिए इसने छोड़ दिया था सर आप यस कि अब 21 साल तक मैं है ना 21 साल तक अब मैं कुछ पीऊंगा नहीं तो क्या हुआ है ना गाइट सौ चूहे खाके बिल्ली चली को जब काम कर ही चुके हो तो हज जाने से क्या फायदा है ना सो यू कैन सी गाइट दीज आर कैरेक्टर लाइक हेंचार्ड एलिजाबेथ जेन न्यूशन डोनाल्ड फारफ्रे लुसेटा टेम्पलमैन सुशांत हेचार्ड न्यूशन जो एबल विटल एंड गाइड साइकोलॉजिकल नोवेल की कैटेगरी में इसे रखा जाता है इट गाइड्स साइकोलॉजिकल नोवेल में है ना यस yes. oh, क्या इमिटेशन है यस yes. बट आप खुद सोचिए कि उसने अपनी वाइफ और अपने बेबी के बारे में नहीं सोचा ही सोल्ड जस्ट फॉर फाइव गिनीज कितना घटिया इंसान रहा होगा ये बाद में बाद में अपना ज्ञान छोड़े पड़ा था मैं इक्कीस साल तक अब मैं सर आपको हाथ ही नहीं लगाऊंगा अब जब हाथ ना लगाने की जरूरत थी तब तो, तो तुमने हाथ लगा दिया एंड वाई यू आर शोइंग प्रेमी हूं रह गए पत्नी प्रेमी है ना यस गॉट इट गाइस सो दिस इज वॉट और इसके साथ गाइज मैंने बोल दिया आप सभी को थैंक यू और हाँ एक चीज तो आप बाकी याद ही रखेंगे एक कंफर्म कर दूं मैं लास्ट टाइम पीरियड में आपको कि देखिए मेरी क्लास 8 पीएम तो होगी आज अब मैं कोई आज इंटरेस्टिंग टॉपिक लूंगा आई एम गोइंग टू टेक अ क्लास है ना और वन पीएम वाली क्लास इंटरेस्टिंग होना चाहिए चाहे कुछ भी सॉरी नहीं 8 मेरा दिमाग भी कभी कभी इधर उधर और मैं थोड़ा शेड्यूल बता दू इस चैनल पर कब कब क्लासेज आती है प्लीज याद रखेंगे सभी लोग देखिए आपको डेली थ्री स्पेशल क्लासेस मिलती है थ्री क्लासेस यहां पर मेरी दो मिलती है एक अन अकेडमी एप पर एक यहां पर मिलती है दो क्लासेस मेरी फ्री वाली मिलती हैं तो देखिए अब आप देख लीजिएगा जो मेरी क्लास है वो 12 या फिर एक बजे इतने के बीच में एवरी डे आती है अपना रिमाइंडर सेट कर सकते हैं आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे जाएंगे आपको लिंक भी मिल जाएगा बाकी चैनल सब्सक्राइब करके जो बेल वालाइकॉन है बेल हिट कीजिएगा ऑल है ना यस तो देखिए हमारी जो क्लास मिलेगी तो ये मेरी वाली क्लास है मी देन आपको मिलती गाइज एक फ्री स्पेशल क्लास 6 पीएम अगर आप एल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीएस आप फ्री पढ़ें डेली 6 पीएम 7 पीएम डेली आपको मिलती है एक और क्लास कौन सी वाली गाइज 7 पीएम आपको ग्रामर वाली मिलती है प्रवीण सर आपके चले आते हैं इसमें राजन महाजन आते हैं आपको पढ़ाने के लिए एवरी डे गाइज ये फिक्स है और पेड क्लासेस मैं आपको बता दू पेड काफी तो जान लीजिए क्योंकि आप लोग बाई करेंगे मेरा कोर्स वो भी तो जानना जरूरी है 10 एम गाइस मेरी डेली पेड क्लास आती है यूपीएलटी देन इसके बाद मेरी अगली क्लास कब आती है मैं बताऊं आपको वो आती है 6 पीएम 6 पीएम आती है पेड क्लास यूजीसी नेट अनअकादमी ऐप पर और फिर इसके बाद 8 पीएम तो मैंने बता ही दिया है है ना और हां इसके बाद गाइस 2 पीएम आती है प्रवीण सर की क्लास 2 पीएम जो ग्रामर वाली क्लास होती है पेड वाली ये पेड है guys, 2 और 5 आती है राजन महाजन की क्लास पेड वाली जीएस अब आप पूछेंगे कि सर जब फ्री और पेड दोनों पढ़ाते हैं तो अंतर क्या है अंतर बस यही है कि आप लोग प्रिपरेशन अपनी करते रहें सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यूसली लगे रहें और दूसरी बात यह है कि जो आप पेड क्लास लेते हैं तो वहां पर हम आपको टॉपिक वाइज डिटेल में सारी चीजें कराते हैं टॉपिक वाइज और डिटेल में सारी चीज होंगी प्लस उनके नोट्स देते हैं है ना जो भी नोट्स हैं उनको तैयार करके आपको दे देते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट रहता है आप पढ़ सकते हैं बाकी आप अपने नोट्स भी मेंटेन कर सकते हैं जैसे यहां पर अगर फ्री क्लासेस में हम एमसीक्यूज ज्यादातर करवाते रहते हैं एमसीक्यूज वन लाइनर एंड ऑल पेड क्लासेस में डिटेल जैसे कि मैंने अभी ग्रेशियन आपको पढ़ाई थी है ना नाइट ऑफ स्कॉर्पियन मैंने आपको पढ़ाया था और एक दिन में आपको वर्ड इज टू मच विद ऑल तो इस तरह से गई जो डिटेल क्लासेस चलती हैं उसमें टॉपिक वाइज टॉपिक सारी चीजों को हम कवर करते हैं जैसे यूजीसी नेट की गाइज जो अन अकेडमी पर चलती है उसमें ऑल द टेन यूनिट्स में कवर करता हूं ठीक है तो बाकी अपनी तैयारी कीजिएगा देखिए थोड़ा बहुत खर्च कर लिया जाता है इतनी भी कंजूसी नहीं लाइफ में होनी चाहिए कि दो चार हजार ना खर्च कर पाए दो चार हजार खर्च कर लीजिए लाइफ टाइम काम आता है हम लोगों की भी जिंदगी चलती रहेगी आपकी भी जिंदगी चलती रहेगी है ना बाकी तो ठीक है और एक दिन मैं सोच रहा था मैं एक्सपीरियंस शेयर करूं कई सारे लोगों ने पूछ लिया सर आप कोई एग्जाम नहीं आज तक क्वालिफाई कर पाए क्या आप ऐसे ही पढ़ाते हैं वैसे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं लेकिन बाद में बताएंगे छोड़िए मतलब बाद में बताएंगे कि एग्जाम क्वालिफाई करके जॉब क्यों नहीं कर रहे हैं और क्यों ये सब करते हैं इसके पीछे भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कहानियां हैं उन कहानियों को एक दिन बढ़िया से बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा रिप्रेजेंट किया जाएगा तो पेड कोर्सेज गाइज अवेलेबल है ये यूपीएलटी वाला भी और टीजीटी पीजीटी सो गाइज बिल्कुल अगर आप चाहें इनरोल्ड हो सकते हैं अन अकेडमी पर यूजीसी नेट के लिए ए के एस राजवीर कोड अप्लाई कीजिए बाकी टीजीटी पीजीटी टी एल टी ये मेरे कोर्सेज हैं मैं आपको प्रोवाइड करता हूं ठीक है सो थैंक यू सो मच और फाइनली हम कह सकते हैं कल भी होगा गाइज हमारा सेशन मैं कल फिर से ये ये जो टॉपिक आपका मैंने कवर कराया ना हंड्रेड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स वाला तो इसका ये बात बात मान लीजिए कि ये पार्ट जैसे वन हो गया तो कल इसका आएगा पार्ट टू जिसमें से मैं और कैरेक्टर और वर्क्स आपके लिए कवर करूंगा गाइज एंड ऑल वेरी बेस्ट फॉर द अपलाइज जिन लोगों ने पेड क्लासेस ज्वाइन किए वो खुद जानते होंगे कि हम कैसा पढ़ाते हैं ठीक पढ़ाते हैं गड़बड़ पढ़ाते हैं जैसा भी है ना हैव अ नाइस डे टेक केयर चलिए फिर से मुल...